सरकार की नीति है कि पहले तो मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वाते रहे, अब जब उनको ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर भी लोग अब जागरूक हो गए हैं, अब लोग लड़ने वाले नहीं हैं, तब लोगों को जाति और वर्ण के आधार पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया जिले का ये एक हत्याकांड आजकल सुर्खियों में बना हुआ है कि जब से देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के अंतर्गत फतेहपुर लेहड़ा में घटना घटी है, पूरा देश परेशान है। पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है कि आखिर ये देश में ऐसा कैसे हो गया कि जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव जी थे यहीं के रहने वाले हैं और यहां से जहां मौजूद हैं ये सत्यप्रकाश दुबे का गांव है। सत्यप्रकाश दुबे का यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उनका घर है और सत्यप्रकाश दुबे के भाई, छोटे भाई साधु दुबे ने बताया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के नाम से 10 बीघा ज़मीन खरीदी थी। लेकिन आप जानना चाहते हैं, आप बता दूं कि 10 बीघा ज़मीन यही आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक जो दिखाई दे रहा है वो ज़मीन खेत है जिसमें धान लगे हुए हैं, ये साधु दुबे ने प्रेमचंद यादव जी के नाम से कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रेमचंद यादव जी के नाम से वो जमीन कर दी गई थी तो आखिर में फिर घटना क्यों घटी। एक के बदले हुई 5 हत्याओं में सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। हमलावरों पर इस कदर खून सवार था कि उन्हें बच्चों पर भी तरस नहीं आई। ग्रामीणों के मुताबिक आक्रोशित भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के घर के महिलाओं और बच्चों को पहले डंडों से पीटा, फिर गला रेता, उसके बाद गोली भी मारी। जबकि इस मामले में आए दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से चल करके अपने राजनीति सेकने का भी काम कर रहे हैं। जबकि बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य मृत प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की भी बात कही जा रही है। उनके घर पर राजस्व विभाग ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है कि यदि आप इस जमीन को खाली नहीं करते हैं तो इस घर को भी बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। आए दिन कई लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और एक पक्षीय मामला देखने को पता चल रहा है। बिहार से आए आरजेडी नेता संतोष रेणु यादव ने कहा है, हम कुव्यवस्था ही कह सकते हैं और सरकार की नीति है कि पहले तो मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वाते रहे, अब जब उनको ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर भी लोग अब जागरूक हो गए हैं, अब लोग लड़ने वाले नहीं हैं, तब लोगों को जाति और वर्ण के आधार पर लोगों को लड़वाया जा रहा है।